स्क्रीन शेयर हो रही है? विजिबल है? जी जी स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन आपकी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, पता नहीं थोड़ा वाइब्रेशन हो रही है। हेलो, सही है? हाँ अब सही है, अब थोड़े के लिए सही। अच्छा तो मैं पहले, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसी ने अभी तक डेमो सेशन देखा है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स जो हैं क्या क्या इंग्लिश के। तो ये टॉपिक्स हैं, थोड़ा जूम कर दो, जूम कर दो थोड़ा। ओके सही। अच्छा ये सब टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे थ्रू आउट आवर सेशन, और क्या नाम है, आपको वैसे ही मिल भी गए होंगे, मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी। सबसे पहले है वोकैबलरी। वोकैबलरी का मैंने पहले भी बताया हुआ है और अब भी बता रही हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आज ही इस क्लास के बाद एक लिस्ट शेयर करूँगी वोकैबलरी की, अराउंड 1000 वर्ड्स होंगे वो। वो आपने हर रोज़ याद करना है, उसका पैटर्न अब आपकी मर्ज़ी, आप हर रोज़ पर डे 20 वर्ड्स याद कर लें या आप पे डिपेंड करता है। वोकैबलरी बहुत 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 ज़रूरी है आईबीए के टेस्ट के लिए, वो बेशक एनटीएचपी का हो या फिर एंट्री टेस्ट आईबीए का हो। वोकैब जितनी अच्छी आपकी होगी उतने ज़्यादा अच्छा आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वोकैबलरी के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, वो आप ही हर रोज़ याद करा करेंगे। मैं एक टेस्ट ले लिया करूँगी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगी। तो उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज पैसेजेस, जो आज का हमारा टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो, आपकी जितनी रीडिंग हैबिट होगी ना उतना अच्छा आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो क्वेश्चंस ग्रामर पे भी डिपेंड करते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो कैफ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या उसी पैराग्राफ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो आपको बताना होता है। तो उसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है। हेलो, वाइब्रेशन अभी भी आ रही है? अभी भी हो रही है थोड़ी सी। ध्रुव आप प्लीज म्यूट कर दें वॉइस को। ध्रुव आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मैम वॉइस बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज पैसेजेस, ठीक है। अब सही है। इसकी जो थोड़ी सी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने भी यूज की हुई हैं जो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, वो ये तीन चार हैं कि एक तो वही बात आ गई कि आपने रीड अच्छी तरह करना है। रीडिंग का भी एक तरीका होता है, रीड इज नॉट के आप बस रीड कर लो, आपने क्रिटिकली रीड करना है जो भी आप रीड करोगे, ठीक है। हर सेंटेंस को एक अच्छी तरह देखना है कि उसमें पंचुएशन कैसे आ रही है, ग्रामर कैसे यूज़ कर रहे हैं, और क्या नाम है, और जब आप पूरा रीड कर लें तो कोशिश करें कि हर रीडिंग के बाद अब अपना मेन पॉइंट लिखें कि इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट ये था। इससे होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है, जो हेल्प करती है आपको फिर क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो डोंट स्पेंड टू मच टाइम रीडिंग द पैसेज, ये बहुत ज़्यादा वो है
कि जब भी आप क्वेश्चन आता है रीडिंग पैराग्राफ का, तो आपने ये करना होता है, जो भी आपका पैराग्राफ होता है उसको जस्ट स्किम थ्रू करें, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लें कि आपको आइडिया हो जाए कि ये स्टोरी, ये पैराग्राफ है किस बारे में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चन पढ़ें और दोबारा फिर जाएं उधर पैराग्राफ पे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ होगा। अगर आप पहले ही अपना पूरा टाइम पैसेज को रीडिंग में लगा देंगे ना, तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि जब आप रीड करेंगे क्वेश्चन को, आपको दोबारा ऊपर जाना ही जाना है वो देखने के लिए कि ये क्वेश्चन मुझे कौन सी लाइन पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो पहले बस थोड़ा सा रीड कर लें, फिर उसके बाद अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ के दोबारा ऊपर जाएं और फिर क्या नाम है उसको देख लें, ठीक है। तो ये भी हम मैं करके बताऊंगी क्या करना है आपने। राइट अ समरी इन द मार्जिन फॉर ईच पैराग्राफ एज यू प्रोग्रेस। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है ना, ये स्पेशली वैसे होता है आईबीए के इंटरव्यू टेस्ट के लिए मेन जो होता है इसका, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें दो दो पेज का आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आपको याद नहीं रहता कि पहला जो पैराग्राफ था उसमें क्या बोला था, दूसरे में क्या बोला था। तो उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप थोड़े साइड पे उस पैराग्राफ का मेन पॉइंट लिख लेते हैं, ताकि जब आप दोबारा देखें तो आपको सिर्फ ये पता हो कि इस पैराग्राफ में ये बात की है, तो आपका दोबारा टाइम वेस्ट नहीं होगा दोबारा पढ़ने में, ठीक है। एंड फोर्थ इज प्रैक्टिस। ऑब्वियसली जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप अच्छी तरह ग्रो करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप इजीली प्लीज ना लीजिएगा, क्योंकि NTHB में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो NTHB में आता ही आता है। कभी कभार NTHB पूरा भी इस पे आपको टेस्ट कर लेगा, कभी सिर्फ एक दे देगा, लेकिन देगा लाजमी, तो आपने इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसे ये एक पैराग्राफ है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप इसको रीड करें, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो जल्दी से आप रीड करें, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। मैम, आपके वॉइस में बहुत इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों माइक बंद है। और स्टूडेंट्स, आप ऐसा करें, इस मैसेज को पढ़ लें, सही से पढ़ें, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है। अब देखिए मैम, आप ऐसा करें, माइक वो आप कर लें, सही कर लें आप। अब देखो, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है, उसको समझने के लिए एक तो हम लोग इतने लाइंस पढ़ रही हैं, इतना पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, टाइम नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि जो पहले लाइन है, 2 लाइन वो लाइंस एंड जो लास्ट वाले लाइंस, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जब आपका जो क्विज होगा, आपका जो एंट्री टेस्ट होगा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहले सिंपल सा, अगर आपको जल्द सॉल्व करना है, तो पहले जो क्वेश्चन वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन बैठ जाएंगे, फिर आप पैराग्राफ थोड़ा सा आपको जल्दी से स्क्रीमिंग करनी है, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीमिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन नीचे पढ़ा था, इसका आंसर ये है, उसी टाइम आप उसके टाइम आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पैसेज को आप इतना ज्यादा फोकस से नहीं पढ़ना, जल्द स्क्रीमिंग करनी है आपको, ठीक है। तो आप उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। तो पैसेज को अभी तो आपको पैसेज को सही पढ़ना पड़ेगा, आपका फर्स्ट जो अभी अभी सीख रहे हो, तो पैसेज को सही पढ़ो और उससे आपको हम क्वेश्चन देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आईबी कराची के तकरीबन 10 to 15 से आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसकी ऑन डेली बेसिस आपको प्रैक्टिस की जाएगी, और उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको ग्रुप में बताएंगे, कैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो अभी इस पैराग्राफ को आपको सही पढ़ें, और इसमें हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। इसको सही पढ़ें आप अभी। जी मैम, वॉइस कर लें, सेटिंग सही है, हो गई या नहीं जी? नहीं, अभी आई थिंक आपने एंट्री यूज किया था, एंट्री यार यूज नहीं करो आप, लैपटॉप पे डायरेक्ट ही आप पढ़ा लो। अब हेलो,
अब वॉइस क्लियर आ रही है, अब नहीं है? क्लियर है, बहुत क्लियर है अभी। अच्छा क्लियर है, ओके हाँ, पहले वो एंड फ्री की वजह से ना बहुत वाइब्रेशन हो रही थी, अभी सही है। ठीक ओके ओके फाइन। है, अब आई थिंक सो 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ तो अब हम, अच्छा ठीक है, ये इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं है कि इसमें आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। मुझे पता है अभी स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने रीड कर लिया है, मुझे बस मैसेज में एक दो बता दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चले ठीक है, डन, ओके। अब हम क्वेश्चंस में जाते हैं। द पैसेज एज अ होल इज प्राइमली कंसर्न विद, मतलब इस जो पूरा पैसेज था इसका मेन आइडिया क्या था। ये ए बी सी डी ई इसके वो हैं, ऑप्शंस हैं, और मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या है, फिर एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। एक दो और दे दें बस, फिर मैं बताती हूँ अभी। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब है जो आपने पैसेज पढ़ा है ना, इसका मेन पॉइंट क्या था, ये किस बारे में बात कर रहा है। अच्छा मैं बताती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डी स्टेटिंग अ कंक्लूजन एंड एड्यूसिंग एविडेंस डेट मे जस्टिफाई इट। अब अगर आप पैराग्राफ पे जाएं, इधर देखें, तो वो क्या कह रहा है, पहले उसने कंक्लूजन बताया है और उस कंक्लूजन का उसने जस्टिफाई देने के लिए उसने एक उसने वो बताया, जस्टिफिकेशन दी है उसने, ठीक है। अगर आप ऊपर से रीड करें, इट इज़ नाउ एस्टेब्लिश दैट द मिल्की वॉर इज़ फॉर मोर एक्सटेंडेड एंड ऑफ मच ग्रेटर मास देन वॉज हिथरोटो थॉट। इसका मतलब ये है कि जो मिल्की वे एक गैलेक्सी है वो बहुत एक मैसिव है और बहुत एक्सटेंडेड है। अब से पहले इसको थोड़ा कम मैसिव समझा जाता था, बट अब इसको ज़्यादा वो मैसिव समझा जाता है, ग्रेटर मास है इसका। हाउ एवर ऑल दैट इज़ विजिबल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिल्की वेज करोना वेयर मच ऑफ गैलेक्सीज मास मस्ट बी लोकेटेड इज़ अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ कोरोना मास, ये इसकी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। अब इधर फोर्थ लाइन में देखो, मोस्ट ऑफ द मिल्की वेज आउटलाइंग मैटर मस्ट बी डार्क, वाई थ्री फैक्ट्स आर साइलेंट, थ्री इन्होंने रीजन बताए हैं वाई दे आर डार्क, ऊपर कंक्लूजन देन रीजनिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। समझ में आया? नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा समझाती हूँ। अगर हम वैसे ए, अच्छा रीडिंग पैराग्राफ का ना एक ये भी होता है कि आप जो हैं क्या नाम, मैंने इलिमिनेट भी कर देते हैं ऑप्शंस को जो आपको लगता है वो तो हो ही नहीं सकते। तो अगर हम ए पे जाएं, एनालाइजिंग अ करंट डिबेट, इसमें किसी भी करंट डिबेट की बात ही नहीं हुई, इसमें बस उसने ये बताया था कि एक जो है क्या नाम है इस गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो पहले जैसे समझा जाता था अब वैसा नहीं समझा जाता, एंड द रीजन इज दिस एंड दिस, ठीक है। तो डिबेट तो यहाँ पे कुछ हुई नहीं, अभी उसने सिर्फ रीजनिंग बताई है, ठीक है। अगर हम बी पे जाएं, क्रिटिसाइजिंग अ वेल स्टेब्लिश थ्योरी, इसमें ये भी नहीं हुआ है, इसमें हमने सिर्फ ये बताया, इसमें वो ऑब्वियसली यहाँ पे
जो है आपको थ्री रीजंस बताए गए हैं उसकी वजह से क्या नाम है ये भी नहीं हो सकता. शोइंग सी है, शोइंग हाउ न्यू फैक्ट सपोर्ट अ प्रीवियसली डिसमिस्ड हाइपोथेसिस. इसमें ये भी नहीं हुआ, इसमें ना कंपैरिजन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तो सी भी नहीं हो सकता. डी को अभी छोड़ देते हैं. कंट्रास्टिंग टू टाइप्स ऑफ फिनोमेना एंड शोइंग हाउ दे आर रिलेटेड, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेक सेंस हुआ थोड़ा बहुत के इसमें क्या बात हुई है, कौन से वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रही आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं हम. अच्छा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ ब्राइट पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी टिपिकली इंक्लूड्स. अब इसके लिए आपको ऊपर पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा और देखो वहाँ पे कहाँ पे ब्राइट पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी की बात की गई है. मैं ऑप्शन दिखाती हूँ. ऑप्शन ये, ये बहुत इजी है, ये सच में बहुत इजी है, इसमें सिर्फ देखना है. एक दो को और आ जाए जवाब मैं भी बता देती हूँ. अच्छा एक मिनट. मोस्टली सबने सही आंसर दिया है, इसका आंसर है ई, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्राइट पार्ट ऑफ गैलेक्सी, जिसमें अगर उससे ऊपर वाली अगर आप लाइन पढ़ें कि थर्ड नो वन हैज़ डिटेक्टेड इन अ कोरोना द क्लाउड ऑफ गैसेस मैटर सच एज हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दैट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग पार्ट्स ऑफ अ गैलेक्सी ब्राइट पार्ट्स ऑफ अ गैलेक्सी. तो इसमें भी ब्राइट पार्ट्स ऑफ गैलेक्सी की बात की गई थी, तो ई ई जो है इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, समझ आई सबको. गुड, सब ने करेक्ट आंसर दिया इसका सही. इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन, हम मूव ऑन करें नेक्स्ट पैराग्राफ पे. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा सिंपली भी नहीं होते और कुछ जो होते हैं डिफ़िकल्ट भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और कभी कभार आपकी ग्रामर को भी वो टेस्ट करते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. ये है नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको आप अगेन रीड करें, ये नीचे भी है, मैं कर दूंगी शो आपको. मैम आप स्टूडेंट के मैथ इकरा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ये भी शेयर कर दूंगी और जो आपके होमवर्क होगा एज अ वो भी शेयर कर दूंगी इस क्लास के बाद, डोंट वरी.
मैम आप उसमें रिप्लाई भी दिया करो, मुझे मैसेज कर रहे हैं आपको। जी मैम थोड़ा जूम कर दें। बस ये 20 तक की है। स्टार्ट करें, हम पढ़ लिया। चलें स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर्स मेन पॉइंट इन दिस पैसेज इज दैट नेशनल कैरेक्टर अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इज स्टिल टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब विद द प्रिसिशन रिक्वायर्ड बाय मैनी सोशल साइंटिस्ट। अब अगर पैराग्राफ में अब आप जाएँ और इसमें देखें कि मेन पॉइंट क्या था, इसकी मैं समरी बता देती हूँ। इसमें क्या कहा था, इसमें ये कहा था कि नेशनल करेक्टर जो है वो सिर्फ कंसिडर सोशल साइंटिस्ट के उसमें इकोनॉमिक या सोशल डिवेलपमेंट को नहीं कहा जाता, बल्कि ये बिलीव करते हैं कि जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनको डिफरेंट ही आपको लेना चाहिए। बट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि आप अगर आप यहाँ देखें एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए कल्चर नॉर्म्स को डिफाइन करना, फॉर होमोजीनियस मतलब होता है सेम, होमोजीनियस मतलब सेम ट्राइब्स और विलेज के लिए वो इजी होता था। बट अब कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इतना हो गया है कि हम कल्चर नॉर्म्स को इतनी अच्छी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही डिस्पैरेट ग्रुप मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आ चुके हैं इस मॉडर्न इरा में। तो सोशल साइंटिस्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत डिफ़िकल्टी होती है अभी तक ये जानने में टू रीड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, इसमें यही बात की हुई है। तो सी इज स्टिल टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब विद द प्रिसिशन रिक्वायर्ड बाय मैनी सोशल साइंटिस्ट। अगर आप देखें तो मेन पॉइंट इसका ये था। ठीक है, यस रोहित यू आर राइट, गुड। अच्छा, अब अगर हम इलिमिनेटिंग पे जाएं, हम इलिमिनेट करके देखते हैं ऑप्शंस को कि वो क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इज़ टू इल्यूसिव टू मेरिट अटेंशन
by anthropologists and other social scientists. Elusive, सबसे पहले तो आपको elusive की meaning आनी चाहिए, ठीक है? तो इसके मतलब है difficult. वो कह रहे हैं attention देना difficult है anthropologists के लिए और other social scientists के लिए, which is not right. उन्होंने वो they put attention, but क्योंकि इतना modern era difficult हो गया है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है? So eliminate A. B is of greater interest to social scientists today than it has been in the past. इसकी तो बात ही नहीं हुई है कि पहले social scientists जो थे वो interest नहीं रखते थे but अब रख रहे हैं, इसकी बात ही नहीं हुई, ठीक है? तो eliminate B. अब है D. Has become increasingly irrelevant because of the complexity of the modern life. ये भी कहीं पे irrelevant का बात ही नहीं हुई थी, यहाँ पे हुई थी complexity की बात हुई थी कि complex हो चुकी है, ठीक है? So eliminate D. E पे आते हैं, can be described more accurately by anthropologists than by this other social scientist. इसमें कहीं भी difference नहीं हमें बताया था anthropologist का या social scientist का, तो ये भी cancel, E cancel. तो बचा क्या? C. और यही एक main, इसका मेन पॉइंट था इस पैसेज का. समझ में आया? अच्छा, ऑप्शन ए था, नेशनल कैरेक्टर इज टू इल्यूसिव टू मेरिट अटेंशन बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट. इसमें ये कह रहा है इल्यूसिव के मतलब होता है डिफ़िकल्ट, ठीक है? उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए और सोशल साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था अटेंशन देना मॉडर्न या नेशनल कैरेक्टर को, विच इज़ नॉट ट्रू. वो अटेंशन देना चाह रहे थे बट क्योंकि मॉडर्न इरा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये ट्रू नहीं है ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम. ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये. गिवन द इंफॉर्मेशन इन दिस पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मॉडर्न नेशनल स्टेट. नॉट ट्रू, नॉट को हाईलाइट देख लें, जो ट्रू नहीं है. इसमें भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि नॉट को नहीं पढ़ते, ट्रू का कोई भी उठा के एक पे टिक कर देते हैं. तो नॉट ट्रू. मैं ऊपर चली जाती हूँ, ऊपर देख लीजिएगा, इसी पैराग्राफ में है यार इसका आंसर. सब लोग पहले आराम से देखें, जल्दबाजी ना करें, हर एक को एलिमिनेट करें फिर सोचें, ठीक है? चलें मैं आंसर बता दूं. अच्छा, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, नॉट ट्रू, ठीक है? डी आंसर है. अच्छा, अब देखते हैं क्यों. एक को देखते हैं. उसने कहा था मॉडर्न नेशनल स्टेट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ये तो सबको पता था, ठीक है? सबका आंसर है बी. बी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे भी हाईलाइट किया था. ऊपर चलते हैं. डिस्पैरेट ग्रुप. डिस्पैरेट ग्रुप का मतलब होता है हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस और डिस्पैरेट
के डिफरेंट डिफरेंट, इनकी मीनिंग्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है। और मुझे पता है मे बी आप लोगों ने होमोजीनियस को देख के कहा होगा और हेट्रोजीनियस। अब आप इस जो लाइन है ना इसको समझें, इसने कहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड अदर आर ऑन मच फ्रेमर ग्राउंड व्हेन दे अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द कल्चर नॉर्म्स फॉर अ स्मॉल होमोजीनियस ट्राइब और विलेज देन व्हेन दे अंडरटेक द फॉर्मिडल टास्क ऑफ डिस्कवरिंग द नॉर्म्स दैट एग्जिस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स मॉडर्न। इसमें इसने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो भी सोशल साइंटिस्ट है वो क्या नाम है अच्छी तरह डिस्क्राइब कर लेते हैं कल्चर नॉर्म्स को जो छोटे और एक जैसे विलेज होते हैं एज कंपेयर टू दोस्त जो एक बहुत डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस हो ही नहीं सकता, उसने यहाँ बात की है हेट्रोजीनियस ग्रुप की, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस बी नहीं ऑप्शन। दे आर ऑफ इंटरेस्ट टू सोशल साइंटिस्ट, सोशल साइंस इंटरेस्ट रखते हैं क्या नाम है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, वो इसलिए कि इस पैराग्राफ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि कल्चर नॉर्म्स, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि लैक ऑफ कल्चर नॉर्म्स की वजह से कॉम्प्लेक्स है वर्ड, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ। बस उन्होंने ये कहा था कि डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लैक ऑफ कल्चर नॉर्म्स का जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई? अच्छा, कल्चर नॉर्म्स मतलब हर कल्चर के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे सिंधी कल्चर अलग होता है, बलोची कल्चर अलग होता है, और भी पंजाबी कल्चर अलग होता है, तो उसको कहते हैं कल्चर नॉर्म्स, कल्चर रूल्स, ठीक है। नॉर्म्स मतलब होता है रूल, सही, ठीक है। कोई क्वेश्चन? चलें अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा ये थोड़ा बड़ा है बट इजी वर्डिंग है इसलिए ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको पढ़ें। अच्छा किसी ने कहा है मैम यू शुड शो क्वेश्चंस फर्स्ट। मैंने आपको पहले बताया था आपको एटलीस्ट सिर्फ स्टोरी के बारे में पता हो, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको ये पढ़ने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको ये कहा आप सिर्फ स्किम थ्रू करें कि आपको पता हो कि इस स्टोरी में बात किसकी की जा रही है, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगी, फिर दोबारा आप पैराग्राफ वगैरह की तरफ जाइएगा, ठीक है। सिर्फ पैराग्राफ को देखें, थोड़ा सा देखें, ज़्यादा पढ़ें नहीं इसको। और वैसे भी ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं थोड़ा क्या नाम है टाइम दे रही हूँ हर उसमें, बट उसके बाद मुझे पता है आप लोग यूज़ टू नहीं है इन सब चीज़ों के, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको हो जाएगा। पढ़ लिया, आगे जाऊँ?
पढ़ लिया सबने? क्वेश्चंस पे चलें। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फोकस ऑफ पैसेज इज। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि चारों ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो उसमें देखा करें कि उन चारों में से सबसे ज़्यादा या सबसे स्पेसिफिकली किस पे बात की गई है। ठीक है, इसमें भी यही है कि एक बात बार बार दोहराई गई है और वो ही एक इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एन आर्ट प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प ट्रबल्ड यूथ। ठीक है, इकरा ए इज द करेक्ट आंसर। अब हाउ, अब जब आप हर पैराग्राफ में जाओगे ना, एक मैं पैराग्राफ को, अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये बताया गया है कि फिलिपीडिया का मतलब यूनिक है, और एक बात जो है वो इसमें ये इतनी लोगों को नहीं पता कि जो है इसमें म्यूरल्स भी बनते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है पैराग्राफ, उसमें एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया जिसने म्यूरल्स बनाना स्टार्ट किए थे। अब अगर आप देखें इसमें ही, ये जो है जैन गोल्डन स्टार्टेड अ प्रोग्राम पेयरिंग ट्रबल्ड यूथ विथ आर्टिस्ट टू मेंटेन म्यूरल्स ऑन अ फ्यू बिल्डिंग अराउंड द सिटी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट में ही उसने बता दिया कि उसने ये स्टार्ट किया था प्रोग्राम विथ ट्रबल यूथ एंड आर्टिस्ट के साथ। ठीक है, तो अब जब नीचे आएंगे तो उसने बताया रीजंस के फ्रॉम दिस स्मॉल प्रोजेक्ट समथिंग मैजिकल हैपेंड। द यंग पीपल इन्वॉल्व हेल्प टू क्रिएट मैग्निफिकेंट पीस ऑफ आर्ट, बट देयर वर अदर परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स। ये फोकस ही यंग पीपल्स पे कर रहा है, मतलब ट्रबल यूथ पे कर रहा है। फिर उसने बताया कि क्या क्या बेनिफिशियल हुए, और पूरा दूसरा पैराग्राफ उस पे है। ठीक है, अगर आप थर्ड पे जाएं, थर्ड पे भी ट्रबल्ड लोगों की बात की हुई है, जहाँ पे पुअर नेबर्स को क्या नाम है म्यूरल्स बनाए जाते थे। तो अगर देखा जाए तो पूरे टू और थर्ड पैराग्राफ में स्पेसिफिकली ट्रबल यूथ या यंग पीपल्स की बात की गई है कि उनको क्या फ़ायदा हुआ था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। अब अगर हम एलिमिनेशन पे जाते हैं कि एलिमिनेट करते हैं, तो बी को देखते हैं। द मैनी टूरिस्ट हु केम टू फिलिफीडिया टू सी म्यूरल्स, ये बात हुई है, मैं मानती हूँ ये बात हुई है, लेकिन दिस इज़ नॉट द मेन पॉइंट। ये एक लाइन सिर्फ उसमें बताई गई थी ऐसी कि टूरिस्ट भी आते हैं फिलिफीडिया टू सी म्यूरल्स, तो मेन पॉइंट बी तो हो ही नहीं सकती, टू एलिमिनेट बी। ठीक है, अब है सी, द रीजन्स वाई फिलिफीडिया इज़ अ यूनिक सिटी, इट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, उसने कहा था अदर्स की वजह से यूनिक है सिटी, और ये था कि बहुत लोगों को नहीं पता इस बारे में कि इसमें म्यूरल्स भी होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं डी पे, हाउ जैन गोल्डन कम अप विद द आइडिया टू स्टार्ट अ म्यूरल प्रोग्राम। उसने सिर्फ हाँ मैं मानती हूँ कि जैन गोल्डन था जिसने ये आइडिया लाया था, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ मेन पॉइंट,
दिस इज अ पॉइंट बट दिस इज नॉट द मेन पॉइंट, इसलिए ए इज द मेन पॉइंट. समझ में आई? गुड गुड. अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चंस पे. सेकंड है, एज एज यूज इन पैराग्राफ वन द फ्रेज इट इज सेड सजेस्ट दैट द ऑथर इज. ये पहले आप ऑप्शंस पढ़ लें फिर मैं ऊपर जाती हूँ. अच्छा मैं ऊपर जाती हूँ. पैराग्राफ वन और इट इज सैड. अब इसमें से ढूंढने के इट इज सैड कहाँ लिखा हुआ है. अच्छा ये सबको पता है ना कि पैराग्राफ वन पैराग्राफ टू क्या होता है. लाइक पैराग्राफ वन इज दिस, ठीक है, ये पैराग्राफ वन है. फिर उसके बाद पैराग्राफ टू जो है वो यहाँ तक है, ये यहाँ तक. उसके बाद पैराग्राफ थ्री जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और फिर उसके बाद नीचे चौथा पैराग्राफ है. ठीक है, तो पैराग्राफ वन में से आप देखें. आई होप सबको मिल गया होगा कि कहाँ पे इट इज सैड. ऑप्शंस पे जाऊँ मैं. चलो अब ऑप्शंस पे जाते हैं. ऑप्शंस, हाँ ये रहे, ए बी सी डी. मोस्टली बच्चों ने सही बताया है. गुड, सी इज द करेक्ट आंसर. रेफरिंग टू समथिंग दैट इज वाइडली बिलीव्ड बट मे बी अनट्रू शेयर्ड विद मी. ठीक है, अगर हम ऊपर जाएं, ये तो आसान था वैसे. हाँ ये रहा ना, इन फैक्ट इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है. अब कहा जाता है में ट्रू भी हो सकता है और नॉन ट्रू भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सही है, जिसने भी सी कहा था वो ठीक है. सी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया ये सी क्यों है? अच्छा नहीं आया. अच्छा मेरी बात सुनो, उसमें कहा गया था, मैं दोबारा दिखाती हूँ. हाँ, इन फैक्ट इट इज़ सैड दैट फिलिफीडिया हैज़ मोर म्यूरल्स देन अदर सिटी इन द वर्ल्ड. ये कहा जाता है कि फिलिफीडिया में म्यूरल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी सिटी के. ठीक है, अब हम ऑप्शंस में जाएं. अब उसने कहा इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, इसका मतलब ये ट्रू भी हो सकता है और नॉट ट्रू भी हो सकता है. अब अगर मैं सी पे जाऊँ, ये कह रहा है रेफरिंग टू समथिंग That is widely believed, but may be untrue, shared with me. इसने कहा कि बिलीव कर सकते हैं बट शायद अनट्रू भी हो सकता है. अगर आप दूसरे ऑप्शंस पे जाएं, ए बी सी, चलो एलिमिनेटिंग कर लेते हैं. ठीक है, नोइंगली मिसलीडिंग द रीडर, मेक नो सेंस. ठीक है, मिसलीड कर रहा है रीडर को, उधर ऐसी भी कोई भी बात नहीं हुई. अच्छा कभी कभार होता है क्या, आप अगर ट्रांसलेट कर लो ना तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता है. ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा इट इज़ सेड, ये कहा जाता है. ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है.
अब है दूसरा है बी यूजिंग अ कोट फ्रॉम समवन एल्स, इट इज़ नॉट ट्रू, ये कोट किसी और का नहीं है, बस बहुत सारे लोगों ने कहा है, ठीक है। डी है रेफरिंग टू समथिंग दैट ही और शी डज नॉट पर्सनली बिलीव, ये भी नहीं है, अगर ये होता तो वो उधर कुछ ना कुछ गाइड करता, कुछ ना कुछ बताता कि इट इज़ दिस बट मैं बिलीव नहीं करता, उधर ऐसा सा कोई पॉइंट होता। तो ऑप्शन हमारे पास बचा सी जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली सही है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसने एक ऐसी चीज़ रेफर की है जो ट्रू भी हो सकती है और अनट्रू भी हो सकती है, जिस पे बिलीव किया भी जा सकता है, जिस पे बिलीव नहीं भी किया जा सकता, ठीक, समझ आई? नेक्स्ट पे चलें। अब हम जाएंगे थर्ड पे। एज यूज इन पैराग्राफ वन द फ्रेज विद द एक्सेप्शन ऑफ रूम मीन्स दैट, ये पढ़ लें फिर मैं ऊपर जाती हूँ। चलें अब आप देखें, बताया मुझे अच्छा इकरा, 2 मिनट। सबने सही बताया है, आंसर इज बी, क्योंकि इसने कहा है इन फैक्ट इट इज सेड दैट विकिपीडिया हैज मोर म्यूरल्स देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ रोम। एक्सेप्शन मतलब रोम को निकाल के बाकी हर जगह जो म्यूरल्स हैं वो विकिपीडिया के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि विकिपीडिया के कम हैं एज कम्पेयर टू रोम, ठीक है। तो इसलिए बी बी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया? सही, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही नजर आ रहा है, तो पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द म्यूरल इन विकिपीडिया, 3 ऑप्शंस हैं, अब बताइएगा।
अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द म्यूरल्स इन फिलिपीडिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 एंड 2। हाउ, अब हम ऊपर जाके देखते हैं। इसमें टूरिस्ट की भी बात की गई है, ये यहाँ पे बात की हुई है। हाँ, स्पेशल बसेस टेक टूरिस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी टू सी दी वेरियस म्यूरल्स। तो मतलब 1 तो पक्का है, ठीक। अब है, इंस्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइड इन दी पीपल हु पेंट देम। ये बात हुई थी हमारे सेकंड पैराग्राफ में जो मैंने आपको बताई थी। इन्हें इसने रीजंस दिए हुए कि यंग पीपल को क्या बेनिफिट होता है। दे लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे नीडेड टू फॉलो अ स्केड्यूल टू मेक श्योर द म्यूरल्स वर कम्प्लीटेड। दे आल्सो लर्न टू टेक अ प्राइड इन देयर कम्युनिटी। ठीक है, तो सेकंड भी पक्का पक्का है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है और प्राइड भी है। ठीक है, थर्ड, आर स्लोली डिजाइन बाई यूथ हु पेंट देम। दिस इज नॉट ट्रू। वाई? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा सेकेंड पैराग्राफ में, आई थिंक, या सेकेंड पैराग्राफ में इसने कहा है, जेन गोल्डन स्टार्टेड अ प्रोग्राम पेयरिंग ट्रबल्ड यूथ विथ आर्टिस्ट। यूथ ने अलग, मतलब यूथ सिर्फ सिंगल नहीं था जिसने म्यूरल्स को पेंट किया था, उनके साथ आर्टिस्ट भी थे। तो ठीक है, स्लोली का मतलब होता है कि सिर्फ यूथ ने किया था। दिस इज नॉट ट्रू। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है बी, 1 एंड 2। समझ में आया? सही सही, गुड। लास्ट क्वेश्चन है ये। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3, विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एफ्लुएंट। ये पढ़ लें, फिर मैं पैराग्राफ 3 पे जाती हूँ। पैराग्राफ 3। इसमें से देखें एफ्लुएंट कहाँ पे है और क्या मीनिंग निकल सकती है इसकी। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता होती, लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं ना तो उसका एक सेंस निकल आता है। अब इस सेंटेंस को पढ़ें, इसमें फुली सेंस बन रहा है। इसको देखें ये किसकी बारे में बात कर रहा है। ओके विनोद, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर टाइम कंप्लीटेड। आई नो ऑप्शंस, या मैं भी दिखाती हूँ, ये रहे ऑप्शंस। अच्छा, इसका राइट आंसर है डी, वेल्दी। हाउ? अब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस से खुद मीनिंग निकल जाती है। अब अगर मैं जाऊँ कहाँ पे बात हुई थी, हाँ ये रहा। ऑफ कोर्स द म्यूरल्स आर नॉट जस्ट इन पुअर नेबरहुड बट मोर अफ्यूलेंट वंस एज वेल। इसमें पहले किसकी बात की गई है? प्यूअर की, पुअर की, सॉरी। ठीक है, कि
कि गरीब लोगों के नहीं, बल्कि अब पुअर का ऑपोजिट ऑब्वियसली वेल्दी होता है, तो एफ्लुएंट मतलब वेल्दी। तो मतलब आप कंपेयर देख लेना। अब इसमें जो ऑप्शंस अगर हम देखें, अब गरीब का कंपेयर ना पॉपुलर से हो सकता है, ना क्लीन से हो सकता है, ना वेल नोन से हो सकता है। ऑब्वियसली वेल्दी के साथ होगा, तो वेल्दी इज दी राइट ऑप्शन। समझ में आया? गुड। अच्छा, बस दैट्स इट। ये आज की क्लास थी, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगी, और कल को हम पढ़ेंगे क्लोज पैसेजेस, ठीक है? और कोशिश करूंगी कि एक रीडिंग का भी स्टार्ट में हम प्रैक्टिस कर लें, फिर हम क्लोज पैसेजेस के पास जाएंगे, ठीक है? होप आप सबको ये सब कुछ समझ आया होगा, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें। चलें फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल को मिलते हैं, ठीक है? गुड बाय।